दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में किस तरह से यूट्यूब के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने किस तरह से थंबनेल क्रिएट करना है काइन मास्टर पे। जी तो सबसे पहले आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है और बैकग्राउंड में जाने के बाद आपने यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से कोई भी हमें एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू। इसके बाद आपने यहाँ से फाउंट में जाना है और यहाँ से इसको बोल्ड कर देना है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के बाद आपने यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के बाद आपने यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना है। इसके बाद हम दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं जैसा कि ट्यूब, तो यहाँ से बिल्कुल इसी तरह इसका कलर भी चेंज कर देना और यहाँ से फाउंट में जाके इसको भी बोल्ड कर देना है और बैकग्राउंड में जाके इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर देना है। इसके बाद हम एक उर्दू का टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के लिए। सेम उसी तरह आपने यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देना है और यहाँ से फाउंट में जाके आपने इसको यहाँ से लैटिन पे सिलेक्ट करके यहाँ से आपने बैवन को सिलेक्ट करना है। ये बैवन उर्दू के लिए बहुत ही अमेजिंग फाउंट है। तो यहाँ से जल्दी से हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। जी तो यहाँ से मैंने अपना कम्प्लीट टेक्स्ट लिख लिया। इसके बाद हमने अपने थंबनेल को गैलरी में सेव करना है। तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कैप्चर का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने कैप्चर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नीचे देखेंगे कैप्चर फ्रेम एंड एड्स एज लेयर, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा ये थंबनेल गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम गैलरी में जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह आप यूट्यूब के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं काइन मास्टर पे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे।